आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके ओप्पो फ़ोन में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल आपके फ़ोन की डिस्प्ले या फिर आपके फ़ोन की स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए व्हाट्सएप से बाहर आइए और अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आइए, नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पर क्लिक करिए। अब ऊपर ये ऐप मैनेजमेंट आएगा तो ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब ऐप मैनेजमेंट ओपन करने के बाद आपके मोबाइल के सारे ऐप यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए और नीचे आएंगे तो आपको व्हाट्सएप मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप आ रहा है इस पर आप क्लिक करिए, उसके बाद ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आने के बाद अब आपको मिलेगा ये मैनेज नोटिफिकेशन, तो मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। ऊपर आएगा ये अलाउ नोटिफिकेशन, तो अगर आपका ये बंद है तो इसे ऑन करिए। इसे ऑन करने के बाद नीचे ये लॉक स्क्रीन आएगा, बैनर आएगा, अगर ये दोनों ऑफ है तो इन दोनों को ऑन करिए। अब नीचे आइए, यहाँ पे आएगा ये ग्रुप नोटिफिकेशन, अगर आपका ये बंद है तो इसे ऑन करिए। और नीचे आएगा इसके मैसेज नोटिफिकेशन, अगर ये बंद है तो इसे भी ऑन करिए। और नीचे ये जो सारे नोटिफिकेशन आएंगे इसी तरीके से ये सारे ऑन करिए। अब ये सारे नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद यहाँ पे बैक आ जाइए और अब अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन करिए। ऊपर राइट में इन तीन डॉट पे क्लिक करिए, सेटिंग पे क्लिक करिए, नीचे नोटिफिकेशंस आएगा इस पे क्लिक करिए। राइट में ऊपर तीन डॉट आएंगे, इन पे क्लिक करिए। यहाँ पे ये रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स आएगा, इस पे क्लिक करिए, नीचे रीसेट पे क्लिक करिए। और ये करने से कुछ आपका डिलीट रीसेट नहीं होता है। तो ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब चेक करिए आपके ओप्पो फ़ोन में व्हाट्सएप का वीडियो कॉल आपके फ़ोन की डिस्प्ले या फिर आपके फ़ोन की स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।